and welcome to Kapil Ka Kitchen. Today's recipe is paneer lababdar. So popular dish, vegetarians ke liye to ye delight hai. Aur restaurant ke, aap kisi bhi restaurant mein jao, koi bhi veg menu utha ke dekho, paneer lababdar jo hai wo zarur hoga. To wahi paneer lababdar hum bilkul restaurant style banayenge aaj apne kitchen ke andar. To shuru karte hain ye recipe banana paneer lababdar. Sabse pehle hum gravy banana shuru karte hain. To yahan pe kadhai bhi main lunga bilkul zara sa tel. और तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं और तेल के अंदर मैं डाल दूंगा बिल्कुल ज़रा सा जीरा इसके अंदर. तो ये दो से तीन गई लौंग की जवें और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे ये बारीक कटे हुए प्याज. अच्छा, मैंने प्याज टमाटर को हल्का हल्का मैंने बारीक किया ताकि फटाफट जो है क्विकली जो है ये गल जाए. अदरवाइज आप रफली चॉप करके भी डाल सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको पीसना है. कटे हुए टमाटर, लहसुन, अदरक यानी कि जिंजर, काजू, सीड्स यानी कि मगज. तो ये खरबूजे के बीज ये भी डाल दिए मैंने इसके अंदर. नमक और साथ ही में एक तेज पत्ता और यहाँ पे सिनेमन यानी दालचीनी और दो से तीन छोटी वाली इलायची. इसको मैं खोल के डाल देता हूँ. तो ये इलायची गई. अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेता हूँ. पहले फ्लेम जो है वो आप मीडियम टू हाई के बीच में ही रखें. इसमें डालेंगे ज़रा सा पानी और ढक के इसे कुक करना है 15 मिनट के लिए. काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर प्याज अच्छे से गल जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसे हम पीसेंगे. तो पहले पानी डाल के ढक के 15 मिनट के लिए पकाएंगे. तो मसाला अच्छे से कुक हो चुका है और मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर दिया क्योंकि मैं अब इसे पीसूंगा. और इसमें से ये जो तेज पत्ता है और जो दालचीनी है इनका तो काम हो गया भाई खत्म. इसको निकालेंगे, बाकी चीजों को हम पीस लेते हैं. तो मसाला अच्छे से पीस चुका है. अब नेक्स्ट शुरू करते हैं यहाँ पे तड़का नंबर टू. सबसे पहले मैं डालूंगा जरा सा तेल, बटर. आप चाहो तो थोड़ा सा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो आप बटर की जगह. और बटर से ये बहुत मज़े की बनती है. जब तक बटर मेल्ट होता है तब तक मैं यहाँ पे पनीर काट के और पनीर लबाबदार जो है वो बाकी पनीर बटर मसाला, पनीर मखनी उनसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पनीर जो है वो दो तरीके से जाता है. एक तो पनीर के क्यूब्स यानी कि जो पनीर के चंक्स होते हैं और दूसरा ग्रेट किया हुआ यानी कि कद्दूकस किया हुआ पनीर जाता है. तो नेक्स्ट तेल और बटर में मैं डाल दूंगा यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज. बिकॉज ये मक्खनी ग्रेवी की तरह बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी नहीं होती है. प्याज इसके अंदर जो हमने ग्रेवी का बेस बनाया था उसके अंदर भी गया है और थोड़ा सा प्याज यहाँ पे हम बटर में भी सौते करेंगे. और हल्का हल्का ये लाइट ब्राउन होना स्टार्ट होगा, बस हमें इसे तब तक पकाना है. इसे लग जाएंगे दो से लेकर तीन मिनट. इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, ये है कश्मीरी मिर्च जो तीखी बिल्कुल भी नहीं होती बट इससे ग्रेवी का रंग बहुत अच्छा आता है. हल्दी, धनिया पाउडर, ज़रा सा जीरा पाउडर और इन सारी चीज़ों को क्विकली करेंगे मिक्स और मैं ये डाल दूंगा ग्रेवी. पानी डाल के अच्छे से सारा मसाला निकाल दूंगा. और इसमें एडजस्ट कर देंगे जरा सा सॉल्ट. ध्यान रखना कि पहले भी हमने नमक इसके अंदर ऐड किया है. और इसे करते हैं मिक्स. कंसिस्टेंसी थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा पानी इसके अंदर क्योंकि ये अभी पकेगा. और इसे हम ढक के पकाएंगे 10 से लेके 15 मिनट तक, तब तक जब तक ये जो तड़का है वो मसालों में अच्छे से रम नहीं जाता. तो ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है. आप देख सकते हो इसने यहाँ पे तेल छोड़ दिया है, तो ये निशानी है कि ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है. मेरे पास है चीज़ स्लाइस. आपके पास कोई भी चीज़ हो आप थोड़ा सा डाल देना, इससे बहुत कमाल की ग्रेवी बनती है. रेस्टोरेंट्स में पनीर लबाबदार बनाते वक्त चीज़ जो है वो हल्का सा ज़रूर डालते हैं और किसी को बताते भी नहीं वो लोग.
कि उन्होंने इस ग्रेवी के अंदर चीज़ का इस्तेमाल किया। और मैंने आपको बताया था पनीर लबाबदार में पनीर जो है वो दो तरीके से जाता है, एक क्यूब्स में वो मैंने काट लिया और दूसरा ग्रेट करके। आप चाहो तो इसके अंदर शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं इसके अंदर डालूंगा बिल्कुल जरा सी चीनी। एक बार ग्रेवी के अंदर कर देता हूँ मिक्स ये जो पनीर के जो पीसेस थे, ये गरम मसाला, कसूरी मेथी को मैंने हाथों से क्रश किया है, कसूरी मेथी का पाउडर। आप चाहो तो हल्का सा रोस्ट करके फिर उसको पाउडर भी आप बना सकते हो। तो ये चीज़ें ऐड की और इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस। तो एक से दो चम्मच इसके अंदर गई है क्रीम। इन सारी चीज़ों को मैं अब कर देता हूँ मिक्स। ध्यान रखना पनीर जो है वो टूटे ना, केयरफुली मैं इन चीज़ों को करूँगा मिक्स और कवर करके मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगा और पनीर लबाबदार जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ट्राई दिस पनीर लबाबदार एट होम, मेरे साथ फीडबैक शेयर करें, कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि आपने जो ट्राई किया तो कैसा बना। और ट्राई उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये है ही इतने मजे का। और उसके साथ साथ जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाना, सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करना, उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि जैसे ही मैं वीडियोज अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलता हूँ मैं कपिल आपको और भी इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो। एंटी गुड के रफ़ेसर, गुड बाय।